हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन डिज़ाइन में अलाइनमेंट किया जाता है। जब भी आप किसी डिज़ाइन को बनाते हैं तो वहां पे चीज़ों को कैसे आप अरेंज करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन बनने वाला है उसकी ब्यूटी इसी चीज़ से कंसिडर की जाती है, डिज़ाइन में कहाँ पर किसको प्लेस करे हो। सो आज का सेशन जो है इसमें आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि कैसे इन डिज़ाइन में जब आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बनाते हो तो इसे अरेंज कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे कई सारे मैंने बॉक्सेस बना के रखे हैं, दैट मीन्स रेक्टेंगल्स बना के रखे हैं जिसमें मैंने ग्रेडियंट डाला है। आइए इन्हें अरेंज करके देखते हैं। तो अलाइनमेंट को लाने के लिए आप चले जाएंगे विंडो में। विंडो में जाने के बाद ऑब्जेक्ट एंड लेआउट का ऑप्शन है जिसमें अलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो क्लिक करेंगे। शॉर्टकट है शिफ्ट F7। ऑलराइट, तो हमारे पास ये आ चुका है प्रॉपर टैब। वैसे कभी भी आप प्रॉपर्टी में भी अगर आप आओगे, सिलेक्शन करोगे, तो यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बट यहाँ ऑप्शंस थोड़े कम हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ और इस वाले को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब आप अलाइन करना चाहते हो तो किस बेसिस पे आपको अलाइन करना है, सिलेक्शन के बेसिस पे, की ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, मार्जिन के बेसिस पे, पेज के बेसिस पे और स्प्रेड के बेसिस पे। तो जिस भी कंडीशन पे आप इसे अलाइन करना चाहते हैं उसी कंडीशन को चूज़ करेंगे। सो राइट नाउ सबसे पहले हम सिलेक्शन को पिक कर लेते हैं। अभी सिलेक्शन को हमने पिक कर लिया, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ड्रैग करेंगे और सिलेक्शन कर लेंगे जिसको भी आपको अलाइन करना है। और लेफ्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो ये उन सभी को लेफ्ट अलाइन यहाँ पे कर देगा। अंडू करेंगे कंट्रोल जेड, इसके बाद सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर अलाइन हो जाएगा एक बार फिर से पीछे। और राइट अलाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से लेफ्ट, सेंटर और राइट, इन तीनों को हम अरेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए जब आप इस तरह से सिलेक्शन करते हो, टॉप सभी चीज़ों को टॉप वाइज प्लेस कर दिया और सेंटर वाइज सबको रखा और बॉटम वाइज सभी को प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हो। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, एक्चुअल में इसका यूज़ बहुत कम है। मैं कई सालों से डिज़ाइन कर रहा हूँ बट इसका डिज़ाइन बहुत ही नेग्लिजिबल होता, नहीं के बराबर यूज़ होता है। अगर आपने कभी इसे यूज़ किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे और किस स्पेसिफिक काम पे आपने इसे यूज़ किया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये फंक्शन किस तरीके से करता है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसको सपोज यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। इसकी मैं हाइट कुछ इस तरीके से रख देता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा कम रख देता हूँ लाइक दिस, एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम इन तीनों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सपोज यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर हम पिक करें तो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। टॉप एज का मतलब क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो शेप, इसका ऊपर का एज कौन सा है, ये वाला है। दूसरा ये वाला, इसका ऊपर का एज है यानी टॉप एज है, इसका टॉप एज ये है। तो पहले वाले से दूसरे वाले टॉप एज को वो सिमिलर गैप पे सेट कर लेगा। ऑलराइट, सिलेक्शन करेंगे एंड हम क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जितना गैप है, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का, इन दोनों एजेस के बीच में जो ये गैप है, उतना ही गैप इस वाले और इस वाले के बीच में है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आपको सेंटर वाइज करना है तो बाकी सारे ऑप्शन को भी इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स बिल्कुल भी यूज़ वाले नहीं हैं, कभी भी यूज़ नहीं किए जाते, बट मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया जिससे आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ये जो टूल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डिज़ाइनिंग के परस्पेक्टिव में। जब भी आप किसी चीज़ को सेट करना चाहते हो, स्पेसिंग्स की बात हम कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अभी इनके बीच में जो गैप है वो 0-0 आ गया। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यूज स्पेस को यहाँ पे इनेबल करके रखा है। इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो इसके बीच के जो स्पेसिंग्स हैं, है ना, यानी इन दोनों के बीच के स्पेसिंग्स या फिर इन दोनों के बीच के स्पेसिंग्स, इन सभी के बीच के स्पेस को इसने प्रॉपर सेट कर लिया। ऑलराइट, नाउ अगर इसी तरीके से मैं इनके हाइट के बीच के स्पेसिंग्स को सेट करना चाहता हूँ, यानी वर्टिकली मुझे स्पेस को सेट करना है इन बिटवीन वाले को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना ही स्पेस इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी मैं अगर स्पेसिंग्स की बात करूँ, स्पेसिंग्स को मैंने अगर इनेबल कर दिया और फिर जा कर के मैं 20 पिक्सल अगर चाहता हूँ तो 20 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और सिलेक्शन कर लेंगे इनका और यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो 20 पिक्सल का यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसे कर दूँ 100 पिक्सल और फिर मैं क्लिक करूँ दिस,
तो ये इनके बीच में 100 पिक्सल्स को प्लेस कर देगा। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिंग्स को यूज़ कर लेते हैं। नाउ इसे मैं फ़िलहाल ऑफ कर दे रहा हूँ और हम इसे पीछे लेके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे कई सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे मार्जिन के अकॉर्डिंग चाहे तो, मार्जिन कौन सा लाइन है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, जो एक सेफ एरिया है, मतलब उसके अंदर में हमें काम करना है, मार्जिन एरिया। ऑल राइट, तो मार्जिन को हम इनेबल करते हैं। तो जब आपने मार्जिन को चेक कर लिया एंड देन आप सिलेक्शन करेंगे, तो अब ये मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करेगा। ठीक है, अगर मैं इन सभी का सिलेक्शन कर लूँ और मैं इसे बॉटम में कर दूँ, तो ये सारे को बॉटम मार्जिन के बेसिस पे अलाइन कर देगा। अभी अगर मुझे अलाइन करना है इन सभी का स्पेस के साथ, ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन का सिलेक्शन कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इससे ये क्या किया, मार्जिन फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, इन दोनों को मार्जिन पे ले गया, लास्ट पॉइंट पे, और उसके बीच में जो स्पेसिंग्स हैं इन्हें भी ये प्रॉपर अरेंज कर दिया। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे मार्जिन वगैरह यूज़ करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अलाइनमेंट के परस्पेक्टिव में। इसके बाद अगर आप पेज के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, तो पेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सपोज मुझे इसमें पेज में टॉप में चाहिए, तो मैं इसका सिलेक्शन कर लूँगा एंड यहाँ पे टॉप में चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द पेज, उसी तरीके से इसने अलाइन कर दिया। अगर मैं इन दोनों को राइट साइड में अलाइन करना चाहता हूँ, तो राइट ऑफ द पेज, एग्जैक्टली, तो पेज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर अलाइन कर देगा। और उसी तरीके से की ऑब्जेक्ट वगैरह भी काम करता है। जैसे मैं सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इनका सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद मैंने की ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया। अभी जिस पे भी हम क्लिक कर देंगे और इसके बीच में जो स्पेसिंग्स है उसी के बेसिस पे ये अलाइन कर देगा। ऑल राइट, इसको फोकस करके, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे अलाइनमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। वैसे कुछ और भी ऑप्शंस है, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। आई होप गाइस आपको आइडिया गया होगा कि कैसे हम लोग अलाइनमेंट प्रॉपर करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर करता रहता हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज रहते हैं वो नीचे मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट पर बना के रखे हैं, उन सभी को जरूर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लिंक आपके साथ शेयर किए हैं, वहाँ पर भी आप जा करके उन लिंक्स को देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाके आप अपने वर्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिव्यू भी दूंगा कि आपका वर्क किस तरह का है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।